Hi guys, welcome back. My name is CA Shantanu Bhandari. I welcome you all to the particular subject which is called as Resolution of Corporate Dispute, Non-Compliance and Remedy, CS Professional Group, Second New Syllabus. और आप देख रहे हैं June 2021 Amendments and this is the part number 8. So जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के 7 parts अब हम complete कर चुके हैं और समय आ चुका है कि part 8 से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं और जैसे जैसे parts complete होते जा रहे हैं आई थिंक हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं एंड कंटेंट क्योंकि काफी है और मैं सब कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि करा सकूँ और करा भी रहा हूँ, ये बात आप भी मानेंगे। तो चलिए इसी बातचीत के साथ अब चैप्टर 5 जो है उसी को कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज पार्ट 7 भी इसी के साथ था या इसी चैप्टर के ऊपर था। नाउ विद द पार्ट नंबर 8 वी विल अगेन स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 व्हिच इज कॉल्ड एज रेगुलेटरी एक्शन। और इस चैप्टर के अंदर जो अब हम बात करने वाले हैं वो एसएफआईओ के रोल के बियॉन्ड जाने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो टॉपिक मैं जानता हूं कि लास्ट क्लास में कवर कर चुका हूं, बट सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि एसएफआईओ के बारे में ही आज हम बात करेंगे। प्रोसेस का बेसिक हमें एक आइडिया हो चुका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एसएफआईओ काम करता है एंड एसएफआईओ किस पर्पस के लिए है ये भी आप जानते हैं, जो फ्रॉड नहीं सीरियस फ्रॉड हो, पब्लिक इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान करे, तो एसएफआईओ की तरफ से जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके पास ये पावर है ऑन द यू नो ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो जाएं और देखें क्या गलत हो रहा है, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें इन द सील्ड एनवेलप एंड उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आगे डिसाइड करती है कि क्या होगा। ये एक जस्ट है, बाकी तो डिटेल में प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। नाउ आज जिस चीज को लेकर हमें बातचीत अपनी स्टार्ट करनी है वो एक केस लॉ है जहाँ पे एसएफआईओ का एक रोल समझाया गया है और किस तरीके से एसएफआईओ काम करता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, उसके बारे में बातचीत करी गई। सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहते हैं इन द केस ऑफ एसएफआईओ एंड अदर्स जो एपेलेंट है वर्सेस राहुल मोदी एंड अदर्स रिस्पोंडेंट जो है और ये सब अपील नंबर्स वगैरह दे रखा है, ये जो चीज है ये सुप्रीम कोर्ट में चली गई है ड्राफ्टिंग में। आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा स्पेशल लीव पिटीशन क्या होता है, तो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरवीन कर सकता है और ये ऐसा ही कुछ मामला है और अब क्या हुआ है यहाँ पे वो देखते हैं। The fact of the case कहते हैं कि in exercise of the power, the central government directed investigation into the affairs of one group of companies and LLP by officers of SFIO as nominated by director SFIO। तो कुछ यहाँ पे जो मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि कंपनी एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं और जो भी उनके रिलेटेड एंटिटीज हैं लाइक एलएलपी एक्सेट्रा, उन सभी के ऊपर जो है एसएफआईओ एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा क्योंकि वहां पे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ गलत चल रहा है। अब एसएफआईओ के बारे में इससे ज्यादा बात करें इससे पहले यहाँ पे बताया गया कुछ बेसिक एंड जनरलिटी तौर पे पावर्स हैं एसएफआईओ की जो अब नीचे आप देखने वाले हैं। ये कुछ जनरल एक तरीके से पावर्स हैं या यू कह दीजिए रोल है जो एसएफआईओ निभाता है। इसके अलावा नीड और सिचुएशन आने पे या नीड और सिचुएशन जब सामने हो तो एसएफआईओ इसके बियॉन्ड भी जा सकता है, बट ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके लिए एसएफआईओ बनाया गया है और उसके पास इससे रिलेटेड पूरी पावर्स हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जो बेसिक तौर पे एसएफआईओ से एक्सपेक्ट करी जाती हैं? तो कहते हैं द एसएफआईओ शैल इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग एरियाज इन एडिशन टू एनी इशू दैट इट मे कम अक्रॉस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू असर्टेन एंड अनअर्थ रोटेशन ऑफ फंड्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वांटम ऑफ डिविजन ऑफ फंड्स टू असर्टेन एंड अनअर्थ रोटेशन ऑफ फंड्स। देखिए अनअर्थ का मतलब यहाँ पे ये है कि पता लगाना कि कहाँ से क्या आ रहा है क्या जा रहा है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग अभी करेंगे या कर चुके होंगे एज अ केस में भी नौकरी करेंगे जॉब करेंगे प्रैक्टिस करेंगे आप ये पाएंगे। जैसे अभी अपनी लाइफ में हमें बताया कि रिलायंस एक कंपनी है, टाटा एक कंपनी है, एयरटेल, जस्ट टेकिंग एज एन एग्जाम्पल, वी नो लाइक यू नो ये कंपनी है, बट जब इसका इंटरनल कॉर्पोरेट डायग्राम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखेंगे ना आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। मतलब इसको लिटरली मत लीजिए इस बात को, बट होगा ऐसे ही, आपको समझ नहीं आएगा मुझे आपको हम सबको कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है इतना ज्यादा फंड्स घुमाए जाते हैं, इतने ज्यादा फंड्स घुमाए जाते हैं एक ही चीज को घुमा घुमा के कि सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। और अगर आपको याद हो जब बात हमारी एसएफआईओ को लेके हुई थी तो मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके अंदर लोग कॉम्पिटेंट नहीं है वो ये कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। एसएफआईओ को चीज इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं कि इसको पकड़ पाना अगर किसी को एक्सपीरियंस ना हो बहुत ज्यादा तो इम्पॉसिबल आप मान लीजिए।
तो सबसे पहले ऐसे भाई को ये काम है कि पैसे का सोर्स पता करें, कहाँ से क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है और कहाँ जा रहा है. आइडेंटिफाई इंस्टेंस ऑफ मिसमैनेजमेंट, नेग्लिजेंस ऑफ फ्रॉड. एग्जामिन रोल ऑफ एनी अदर एंटिटी यूज टू कंडक्ट इन द एलिज्ड फ्रॉड. तो क्या जो कंपनी है वही आपस में लेन देन कर रही है या कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व यहाँ पे किया जा रहा है? क्योंकि अगर कंपनीज का ही ग्रुप चार्ट अगर देखेंगे और वहीं से पता चल रहा है आपस में लिया दिया जा रहा है, तो एक केस को आप कहीं फाइन लाइन ड्रॉ कर पाएंगे कि यहीं तक मुझे देखना है. पर अगर ये देखने में आता है, जो SFIO की तरफ से इंस्पेक्टर्स हैं, वो ये देखने में आता है कि कंपनी की ग्रुप ऑफ कंपनीज तो गड़बड़ कर ही रही है, बट और भी कुछ अनरिलेटेड एंटिटीज हैं जो डायरेक्टर के रिलेटिव हैं, उसका भाई है, उसकी कोई एंटिटी है और वो कंपनी के साथ क्रॉस कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, तो इस परस्पेक्टिव को भी एग्जामिन किया जा सकता है. टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द इंपैक्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो किस तरीके से जो कंपनी काम कर रही है इसका क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि SFIO आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिकली कोई प्राइवेट कंपनी पे SFIO जाके इतना समय लगाएगा. जहां पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा है, जहां फ्रॉड जो है वो एक लिमिट के बियॉन्ड जा चुका है या बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रही है, वहीं पे SFIO जो है या यू नो उससे रिलेटेड जो टीम है वो जाके काम करती है. तो ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा हो कि प्राइवेट कंपनी में SFIO नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकता, बट चांसेस उसके थोड़े कम लगते हैं. ठीक है, अब एक केस लॉ के बारे में बातचीत यहाँ पे करी गई है और यहाँ पे यही समझाने की कोशिश करी जाएगी कि क्या एक जनरल सवाल मैं आपसे पहले पूछता हूँ, उसके बाद ये जो मामला है आपने देखा स्पेशली पेटिशन के थ्रू ये सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है, बट सवाल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या है जिसका जवाब हम पढ़ेंगे और समझेंगे. नो, सवाल ये है कि अगर SFIO को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेट्स से एक महीने का समय दिया गया था एज पर द एक्ट, एज पर द रूल, एज पर द प्रोविजन, जिस भी चीज के लिए वो काम कर रहे थे, SFIO के पास एक महीने का समय था कि उस चीज की इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सौंपे आगे. फॉर सम रीजन जो SFIO है वो एक महीने के अंदर रिपोर्ट नहीं दे पाया है, उसको थोड़ा और समय चाहिए. तो क्या जिसपे ये केस चल रहा है, वो ये कह के छूट सकता है कि सर ये तो भाई इन्वेस्टिगेशन के बियॉन्ड चला गया समय, तो अब तो मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि एक महीने का समय दिया था लॉ के हिसाब से, एक महीना तो दिया जा चुका है SFIO को, अब ये उस एक महीने में कुछ नहीं कर पाया तो मेरी क्या गलती है, मैं तो पूरा कोऑपरेट कर रहा हूँ. SFIO अगर नहीं कुछ कर पा रहा तो वो उनकी एक कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठाता है, मैं तो पूरा कोऑपरेट कर रहा हूँ, अब एक महीने में अगर ये कुछ नहीं कर पाए, कोई रिपोर्ट नहीं दाखिल कर पाए, तो मुझे छोड़िए, मेरी अब लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है. ये सवाल है कि क्या जो ये सामने वाला कह रहा है कि यू नो ड्यू समय के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो पाई है तो क्या हम अक्यूज्ड को, ऑफेंडर को छोड़ देंगे? ये सवाल है. तो इस सवाल का जवाब हम यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे लोअर कोर्ट्स ने एक तरीके से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर समय लग रहा है तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा और अगर SFIO वो रीजन दे रहा है तो समय एक्सटेंड किया जा सकता है. हाई कोर्ट ने जजमेंट को पलट दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं छोड़ना ही होगा आपको क्योंकि एक महीना या जो भी प्रिस्क्राइब समय वो निकल चुका है और SFIO को उसी के अंदर काम करना चाहिए था. पर ये फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है जैसे कि आप देख रहे थे ऊपर स्पेशली पिटीशन के जरिए, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कहता है कि अगर लॉ की ये इंटेंशन होती तो ये लॉ जो लेजिस्लेचर जिसको आप फॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट, अगर उसकी इंटेंशन होती तो उसको साफ साफ लिखता. अगर उसने एक्ट में कुछ नहीं लिखा तो हम इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते कि SFIO को जो भी समय दिया गया उसी के अंदर काम करना है. सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भी टाइमलाइन सेट करी जाती है दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ कंपल्सरी टाइमलाइन, इट इज काइंड ऑफ एन इंडिकेटिव टाइमलाइन जिसके तहत ये काम होना चाहिए. पर अगर ऐसा नहीं होता तो दैट डज नॉट मींस कि अक्यूज को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो जो SFIO है वो टूथलेस हो जाएगा, उसकी कोई पावर्स नहीं रहेंगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा और जो अक्यूज है वो खुलेआम घूमेंगे और वो क्राइम पे क्राइम करते ही जाएंगे. समझ रहे हैं मेरी बात? अब मैं इसको डिटेल में भी लेके जाने वाला हूँ. जैसे कि आप जानते हैं, दोबारा से याद दिला दूं, फास्ट ट्रैक जो बच्चे हैं, फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स, फास्ट ट्रैक बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अमेंडमेंट डिटेल में देख रहे हैं, एंड जो कंप्लीट क्लासेस के स्टूडेंट है वो भी अमेंडमेंट्स डिटेल में देख रहे हैं. तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अमेंडमेंट परचेज किए हैं, वो भी इसको देख रहे हैं. चलिए बात करनी स्टार्ट करते हैं. तो कहते हैं अक्यूज्ड वाज अकॉर्डिंगली अरेस्टेड एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ग्रांटेड रिमांड एंड डायरेक्टेड दैट ही बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ स्पेशल कोर्ट. तो अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने की बात करी.
accused were produced before the special court with a fresh application for remand. Remand क्या होता है? Judicial custody, जैसे पुलिस बहुत बार remand मांगती है, तो भाई एक तरीके से कस्टडी, जो पुलिस कस्टडी है उसको एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन देती है कि इतना समय हो चुका है बट हमें थोड़ा और समय चाहिए, अभी जो जांच है वो जारी है. दैट इज काइंड ऑफ अ रिमांड. द प्रेयर फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द कस्टडी वाज अपोज्ड बाय द अक्यूज्ड. अपोज्ड बाय द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मतलब वही जिसकी गलती थी, जो ऑफेंडर था. ऑन द ग्राउंड्स दैट द पीरियड ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ द ऑन द ग्राउंड्स दैट द पीरियड ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन as stipulated in the order has expired and as such all further proceedings are illegal. तो समझ आ रही ना वही बात की, अक्यूज कह रहा है भाई समय निकल चुका है, मैं क्या करूँगा, मुझे तो छोड़ो, एक महीने का लॉ में अंदर समय था, एक महीना दो महीना जो भी, जिस बारे में भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो समय पूरा हो चुका है. तो अक्यूज करता है मुझे छोड़िए सर, अब मेरी क्या गलती है, आपने इन्वेस्टिगेशन उस समय के अंदर क्यों नहीं करी, मैं तो पूरा कोऑपरेट किया, क्योंकि इस केस में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अक्यूज ने कोऑपरेट नहीं किया. तो मैं कह रहा हूँ अक्यूज ने कोऑपरेट किया ही होगा, कहीं नहीं तो लिखा जाता कि अक्यूज ने कोऑपरेट नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया. ठीक है. The special court found that the application seeking further remand was justified and extended the police custody of the accused. Writ petition was filed by the accused in the High Court. और High Court ने किसके फेवर में जजमेंट दिया? Accused के फेवर में. तभी तो आप देखिए ना केस यहाँ पे कौन फाइल कर रहा है, SFIO. अगर आप देखें यहाँ पे जो केस फाइल किया गया in the case of SFIO versus Rahul Modi. क्योंकि राहुल मोदी जीत गए थे हाई कोर्ट में, जहां पे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है भाई एसएफआईओ को अपना काम सही से करना चाहिए, और क्योंकि वो नहीं कर पाए इन्वेस्टिगेशन इतने समय के अंदर, इसीलिए उन्हें राहुल मोदी को छोड़ना होगा. तो एसएफआईओ चले गए सुप्रीम कोर्ट, उनका कहना था ऐसा नहीं होगा. तो अब हाईकोर्ट गए जब राहुल मोदी, रिट पिटीशन फाइल करी और कहा इट वाज सबमिटेड दैट विद द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड विद इन व्हिच इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी कंप्लीटेड in terms of the order all further proceeding including the arrest were illegal and without any authority of law. The high court directed, to high court ko bhi bataya gaya puri jo baat cheet maine aap se bhi kahi, to high court ko yahi kaha gaya rahul ki taraf se, rahul modi ki taraf se, ki bhai samay ab nikal chuka hai, to ab agar uske andar nahi kuch kar paya sfio, तो जो भी अरेस्ट उन्होंने मेरा किया है राहुल मोदी का वो भी इलीगल हो गया और उसका कोई मतलब अब नहीं रह जाता क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पाए, मैंने तो पूरा कोऑपरेट किया बट उन्हें चाहिए था, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं उस कॉन्टेक्स्ट में. रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन ऑन इंटरिम बेल डायरेक्टिंग द पेंडेंसी ऑफ द रिट पिटीशन ऑन देयर फर्निशिंग पर्सनल बॉन्ड. एपेलेंट्स चैलेंज द करेक्टनेस ऑफ द कॉमन इंटरिम ऑर्डर पास बाय द दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. तो हाई कोर्ट ने एक तरीके से बाइज्जत ऐसे कह दीजिए फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दिया राहुल मोदी को, सिर्फ एक बॉन्ड भरवा के कि जब बुलवाया जाएगा राहुल मोदी को तो उन्हें आना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए, बट फिलहाल वो जा सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट को लगा कि जो राहुल मोदी कह रहे हैं वो भी गलत नहीं कह रहे हैं कि एसएफआईओ को पूरा समय मिला था तो अपना काम करना चाहिए था उसको, अब क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाए तो राहुल मोदी कहते हैं मुझे छोड़ो. तो हाईकोर्ट कहता है इसमें राहुल मोदी तो कुछ गलत नहीं कह रहे, ये हाईकोर्ट बोल रहा है. तो हाईकोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया, एक निजी ऐसे कह दीजिए बॉन्ड भरवाया और छोड़ दिया. अब उसी चीज को लेके जो एसएफआईओ है वो एसपीएल स्पेशल एसएलपी मैं कहूंगा स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट इस चीज का फैसला देगा जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. तो कहते हैं द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट कुड नॉट बी सेट दैट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड विद इन व्हिच अ रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड बाय एसएफआईओ वाज फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. थोड़ा सा पढ़ के समझाऊंगा. And on the expiry of that period, the mandate in the SF favor of SFIO must come to the end. If it was come to the end, the legislation would have contemplated certain results, including retransfer of the investigation back to the original investigating agencies, which were directed to transfer the entire records. तो सुप्रीम कोर्ट पहले हाँ या ना में जवाब तो आप जानते हैं, एमसीएस का पेपर भी आपने देखा है, वहां पे हमने सारे केस लॉस कवर किए हैं. और आपको याद दिलाना चाहता हूँ यहाँ पे जब एमसीएस की बात हो रही है कि एमसीएस की भी हमने फिलहाल के लिए जब आप ये क्लासेस देख रहे हैं प्री बुकिंग शुरुआत करी थी 1500 से, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत जल्दी खत्म हो गई क्योंकि इतने सारे रजिस्ट्रेशन हो गए जब हमने वो कर दी. अब एमसीएस का जो फास्ट ट्रैक बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, जून के लिए ही है वो भी, और ऑब्वियसली आगे तो रहेगा ही रहेगा उसके बाद आने वाले समय के लिए.
तो अगर आप भी उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी अमेंडमेंट सारे हमारे कवर हो चुके हैं। खैर यहाँ पे अगर हम बात करें, मैं एमसीएस का इसलिए बोलने लग गया था क्योंकि वहां पे भी जो बच्चे ग्रुप थ्री दे रहे हैं वो जानते हैं कि एमसीएस में भी अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली किसी जजमेंट पे नहीं आता, वो पहले उस चीज के बारे में समझाता है, उसके लेफ्ट एंड राइट बताता है, तो पॉइंट पे हिट करता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी समय दे रखा है एसएफआईओ को वो कोई टोटल समय नहीं है जिसके अंदर उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है और साबित करना है सब कुछ, और अगर जहां तक ये बात है कि उस समय के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है तो राहुल कहते हैं मुझे रिलीज कर दो, कहते हैं अगर ये इंटेंशन, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर ये इंटेंशन लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी की होती तो वो साफ साफ लिखते कि अगर एसएफआईओ ने इतने दिनों में अपना काम नहीं किया तो एसएफआईओ को अक्यूज को छोड़ना पड़ेगा, जबकि ऐसा कहीं भी अगर एक्ट की बात करें, प्रोविजंस की बात करें, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि अक्यूज्ड को छोड़ना पड़ेगा अगर इतने समय के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हुई है। कहते हैं इन एब्सेंस ऑफ द क्लियर एनी क्लियर स्टिपुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन दैट विद इन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड द मैंडेट इन फेवर ऑफ द एसएफआईओ मस्ट कम टू द एंड वुड कॉज ग्रेट वायलेंस टू द स्कीम ऑफ लेजिस्लेशन। तो अगर हम ये मान लें क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो कुछ चीजें एक्सप्रेस होती हैं तो कुछ इंप्लाइड होती हैं, अगर यही मान लें इस बात का मतलब कि लेजिस्लेचर यही चाहता था तो वो लिखता, अगर वो कुछ नहीं लिख रहा है इसका मतलब हम लॉ के प्रोविजन के बियॉन्ड जाके उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते, स्पेशली उस कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल नहीं कर सकते जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। तो अक्यूज को छोड़ना, क्योंकि और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि एक साल का समय दिया था और चार साल हो गए हैं, पांच साल हो गए हैं, ऐसा भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो वो एक डिफरेंट लेवल पे देखी जाती, तो कुछ अगर एक दो महीने का समय दिया है उसमें 15-20 दिन एक्स्ट्रा लग गए हैं तो इट इज क्योंकि एसएफआईओ, जैसे मैंने बताया बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं तो वो एसएफआईओ के पास जाते हैं, छोटे मोटे मैटर्स एसएफआईओ के पास नहीं जाते, तो समझने में समय लगता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब एकदम से आप किसी को अगर एकदम से कहेंगे भाई तुम अक्यूज हो और वो अक्यूज ना निकला तो वो तो खुद एसएफआईओ पे दावा ठोक देगा मानहानि का, मेंटल एग्रेनी का, रेपुटेशन लॉस का, तो सोच समझ के इल्जाम लगाना है, एविडेंस के बेसिस पे लगाना है और एविडेंस इकट्ठा करने में समय लगता है, आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे समझा रहा है। आगे समझाते हुए कहते हैं इफ सच इंटरप्रिटेशन वॉज एक्सेप्टेड कि नहीं अगर एक महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हुई तो अक्यूज को छोड़ दो, कहते हैं अगर चलो यही बात हम मान लेते हैं तो With the transfer of investigation in terms of subsection 2, the original investigating agencies would be denied to the power to investigate. With the expiry of mandate, SFIO would also be powerless, which would lead to ingrowness मतलब absurd situation, ऐसी situation जो बड़ी uncomfortable हो जिसमें कोई भी lawful activity, compliance perspective तौर पे चीजें हो ही ना सके. Which will lead to ingrowness situation that serious fraud would remain beyond investigation. क्या लिखा है? Serious fraud, वही SFIO, serious fraud would remain beyond investigation. क्योंकि वही investigation में समय लगता है। आप देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि किसी भी चीज को आप देखिए कि किसी भी चीज को आपको किसी को समझाना हो, दो दोस्त को आप कोई भी बात बताना चाहते हैं, उनमें से एक कोई होगा अगर आप उसको थोड़ा सा भी इशारा देंगे वो चीजों को अच्छे तरीके से समझ जाएगा, है ना, और कोई दूसरा होगा जिसको पूरी बात बताने के बाद भी वो थोड़ा धीरे उस चीज को एक तरीके से अब्सॉर्ब करेगा अपने अंदर, उसको सिंक इन करेगा अपने साथ। तो हर केस जैसे कि तो दो लोग अलग अलग हैं, वैसे हर केस भी अलग अलग होता है, तो हर केस के लिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई 30 दिन हो सकता है, कुछ केस 15 दिनों में निपट जाए तो क्या फिर उसके अंदर आप एसएफआईओ को ये कहेंगे बहुत अच्छा काम किया, और अगर 45 दिन लग रहे हैं तो आप ये कहेंगे बहुत खराब काम किया। तो ये तो केस टू केस वेरी करता है ना भाई, ये यहाँ लिखा नहीं है बट मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ जो कहने का मतलब डेफिनेटली है ही इस बात का। तो ऐसा नहीं कर सकते, जो टाइम फ्रेम दिया है इट कैन बी काइंड ऑफ एन इंडिकेटिव थिंग, अभी नीचे लिखा भी है ये बात, ये इंडिकेटिव हो सकता है बट यू कैन नॉट टेक दिस एज अ पत्थर की लकीर कि इतना कहा है तो इतना ही होना है, ऐसा नहीं होता। Together, that could never have been the idea. The only construction which was possible thereof was that the prescription of the period within which a report has to be submitted to central government under subsection 3 was purely directory. तो कोई complete नहीं है, ऐसा नहीं था जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि करना ही है, ये एक indicator था कि इतने समय के अंदर आप कर दीजिए क्योंकि इतना समय is kind of reasonable, but इससे ज़्यादा जा रहा है क्या एक accused को
आप कितनी बार सुनते आते हैं कि 60 दिन का अपील का समय होता है, बट अक्यूज्ड अगर चाहे 60 दिन के बाद भी अपील फाइल करना, 60 दिन, 30 दिन, 45 दिन जो भी है, तो कोर्ट सुन सकता है प्रोवाइडेड रीजनेबल कॉज बीइंग गिवन, होता है कि नहीं? तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? जब आप एक इंसान को समय दे सकते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, जो कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर ही रही होगी अंटिल अनलेस कुछ उसके अगेंस्ट प्रूव ना हो जाए, तो उसको समय क्यों नहीं दे सकते? Even after the expiry of such time period, the mandate in the favor of SFIO and the assignment of the investigation would not come to an end. So Supreme Court ne saaf saaf. तो आप ये देखिए कि कितना फर्क है, मतलब हाई कोर्ट ने शायद दो लाइनें लिख के बस एक्सेप्ट कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉजिकल कंक्लूजन पे हमें पहुंचाया, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट है. यानी तो एक्सपीरियंस तो मैटर करता है. मैं ये नहीं कहता कि जिसके पास एक्सपीरियंस उससे गलती नहीं होती, ऐसा तो कहीं नहीं है, ना ये पॉसिबल है, बट यस, एक एक्सपीरियंस मैटर डेफिनेटली करता है कि नहीं? चलिए, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जो बात थी उसको डेफिनेटली एक तरीके से डिस्कार्ड कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया. बढ़ते हैं आगे. तो ये केस लॉ हो गया. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की तरफ आते हैं, और फर्दर जो इस मामले से जुड़ी हैं उन चीज़ों के ऊपर बातचीत अब हमारी शुरू होगी. सो इन द केस ऑफ मिसेज यू ए सुमिति एंड अनदर्स वर्सेस डिग विजय चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक केस है. Which was held that under section 235 does not lay what precise circumstances are to be proved as to trigger an investigation, but in the least the materials on record to be examined must be such that, abhi samjhaunga main, to satisfy the court that a deeper probe into the company affairs and desirable in the interest of the company. देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं लॉ के अंदर जो implied हैं, है ना? आपने सुना है लॉ में वैसे दो बातें हैं, एक एक्सप्रेस है और एक इम्प्लाइड है. जो लिखा है वही मानना है, और बहुत बार जो नहीं लिखा है बट उसका रीजन क्या है ना लिखने का या और क्या हो सकता है, आई थिंक दैट इज कॉल्ड इज इम्प्लाइड एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. हर चीज आप सामने वाले को अगर पर्सनल लाइफ में भी देखें, प्रोफेशनल में भी देखें, बहुत बार किसी की बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाते हैं कि वो आपकी तरफ किस तरीके की वाइब्स आपको दे रहा है. पॉजिटिव है, नेगेटिव है, खुश है, नाराज है, पता चल जाता है. वो उसको कहने की जरूरत नहीं है, वी कैन फील इट आउट, राइट? तो यही चीज यहाँ पे भी है. जैसे हमें लोगों के बारे में एहसास जल्दी से हो जाता है, जो कोर्ट में जजेस बैठे हैं विद देयर ड्यू एक्सपीरियंस एंड ड्यू रिस्पेक्ट, उनको ये पहले पता चल जाता है कि भाई लॉ अगर ऐसा कह रहा है, इतना पढ़ा है, इतने केसेस के जजमेंट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक आइडिया आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में आप सोचने लग जाता है. आप एक महीना एमसीएस पढ़ेंगे ना, जब मेरी क्लासेस में या अपने आप भी पढ़ रहे हैं, तो आप उस फिर कहीं ना कहीं आपका जो थिंकिंग होगी ना, वो आप आगे जाने लगेगी. सिर्फ वो बुक्स के केस लॉ के कुछ वर्ड्स तक सीमित नहीं रहेगी, उसके आगे जाने लगेगी, बिकॉज नाउ यू आर यूज्ड टू इट. तो यहाँ पे भी यही बात कही गई है कि देखिए, ऐसा सेक्शन 235 की अगर बात करें तो ऐसा कहीं कोई ग्राउंड नहीं लिखा कि SFIO की इन्वेस्टिगेशन आप कब स्टार्ट करेंगे. ये तो है कि SFIO काम क्या करेगा, बट आप इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट करेंगे, कौन सा ऐसा केस है, कौन से ऐसे टाइप ऑफ केस हैं. फ्रॉड तो हमने समझ ही लिया क्या होता है, बट कौन सा ऐसा टाइप ऑफ फ्रॉड है जिसके लिए आप SFIO को इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो वो कहते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि लॉ में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, कोई यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिए हुए, बट जनरली अगर किसी भी चीज में SFIO को इन्वॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा लगना चाहिए जिससे देख के लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है जो ग्रेव है, जो बहुत बड़ा है, और उसका जो नुकसान है वो पब्लिकली तो है ही है, कंपनी के सारे ही स्टेक होल्डर्स को है. तो ये एक यू नो एक गाइडिंग सोर्स है, गाइडिंग लाइट है, जिसके बाद SFIO पिक्चर में आ सकता है. मैं ये नहीं कहता कि अगर छोटा फ्रॉड है तो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना, करना है, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, बट SFIO के रोल की अगर बात करें तो SFIO वहां पे इन्वॉल्व नहीं होगा. तो ये बात यहाँ पे कही गई है. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द दिल्ली हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट इन ऑर्डर टू order an investigation, there may be circumstances which would lead to the inference that there have been some fraud, misfeasance, breach of trust, misconduct which requires investigation. It is not necessary that the person concerned should be acted guilty, but at least there should be some circumstances which could lead to interference. देखिए, अगर मैं बात करूं वही ऊपर वाले केस को, भले ये दूसरा केस है बट एक्सप्लेनेशन वहीं से कहीं ना कहीं इसकी भी आ रही है कि कोर्ट कब आएगा और कोर्ट कब लग, क्योंकि आपको अभी मैं नीचे जब लेके जाऊंगा तो एक बड़ा सा केस लॉ पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे. मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड कि SFIO का जो प्रोसेस है वो कौन स्टार्ट कर सकता है. अभी तक तो हमने यही पढ़ा, काफी सारी बातचीत भी इसके बारे में हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तौर पर डिसाइड करेगी
कि भाई हाँ यहाँ पे SFIO की जरूरत है और फिर वो SFIO के तौर पे प्रोसेस स्टार्ट होगा। पर अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि सिर्फ एक यही बात नहीं है, अगर जो कंपनी है उसके जो भी मेंबर्स हैं वो SFIO का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो एक तरीके से कोर्ट के सामने ये बात रख सकते हैं और फिर कोर्ट जो है वो SFIO का प्रोसेस भी स्टार्ट करवा सकता है। तो ये ठीक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, बट अगर जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली कोर्ट पे पहुंच जाते हैं, ट्राइब्यूनल पे पहुंच जाते हैं और अपनी बात रखते हैं और ऐसा लगता है उनकी बात सुनने के बाद कि यहाँ पे SFIO की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो कोर्ट SFIO की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा नहीं इस बारे में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये दो अलग अलग रास्ते हैं जिससे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो जहां तक ये बात है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि स्टार्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। मतलब आप देखो, आप किसी पे अगर इल्जाम साबित करना है तो कहीं तो आप पहले लिखोगे ना, पॉइंट आउट करोगे कि कहाँ से आप स्टार्ट करने वाले हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कुछ कहो कभी कुछ कहो, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो फिर केस आपका पहले ही कमजोर हो जाएगा। तो इससे पहले आप कोर्ट के पास जाएं और कहें कि सर ये SFIO के लिए एकदम जेन्युइन केस है, आपके पास कोई ऐसे लॉजिकल ग्राउंड या रीजन होने चाहिए जिससे कि अपनी बात आप प्रूव कर सके और ऐसा समझ में आ सके उन सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस जो आपने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे हैं कि यस यहाँ पे SFIO की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो एटलीस्ट कुछ तो होना ही चाहिए। अब वो कुछ जो है वो आगे कितना बड़ा रोल लेता है वो बात की बात है, बट टू स्टार्ट विद सिर्फ ये नहीं हो सकता अगर मैं किसी से गुस्सा हूँ तो मैंने उस पर कोई इल्जाम लगा दिया और SFIO का रोल स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं होता, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट केस की तरफ बातचीत आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो भी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई कैसे पता चलेगा कि कब SFIO को आना है बीच में, तो उसका मैंने आपको बता दिया कि कुछ तो एटलीस्ट होना चाहिए जिससे के पास कोर्ट के पास, जिससे कि वो आगे इस चीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सके। चलिए तो बात करते हैं इन मैटर ऑफ रोहतास इंडस्ट्रीज वर्सेस ST अग्रवाल एंड अदर्स। यहाँ पे भी एक केस हुआ है वेयर इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट एंड हेल्ड दैट इन केस ऑफ एलिगेशन ऑफ द फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कैरिड आउट इफ देयर इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द इंटेंट ऑफ डिफ्रॉड फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टेंस ऑफ द मिसकंडक्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर जो था उसको डेफिनेटली सेट असाइड किया और ये कहा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट हेल्ड दैट इन केस ऑफ एलिगेशन ऑफ फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर्स। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के नाम पे ही कुछ गलत हुआ हो, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं KMP हैं अगर उनके खिलाफ भी कोई सबूत मिलते हैं और ये प्रूव हो जाता है कि जो उनकी इंटेंशन थी, अगर आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था जब फ्रॉड के बारे में बातचीत करी थी कि व्हाट एक्चुअली इज फ्रॉड, है ना, तो उसमें हमने बात डिटेल में करी थी कि फ्रॉड के अंदर दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं टू स्टार्ट विद। सबसे पहली है इंटेंशन टू डिसीव, यानी दूसरे को धोखा देने की नीयत जो है वो सबसे अंदर सबसे जरूरी उसके अंदर रहती है, एंड उस जो इंटेंशन है उसका सामने वाले को नुकसान भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर जो भी एप्लीकेशन फाइल कर रहा है SFIO के लिए फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको अप्रूव करना पड़ेगा एटलीस्ट इस पर्सपेक्टिव को जो मैंने अभी भी पढ़ा कि जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने गलत काम किया है, एंड उसके बेसिस पे फिर अगर ये अप्रूव हो जाता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो गलत मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, देन दैट केस SFIO आ सकता है इस पिक्चर में और बातचीत आगे बढ़ सकती है। बात करते हैं एक और केस लॉ के बारे में। सो RCD इज ऑल अबाउट केस लॉ, राइट। इन द अदर मैटर ऑफ डेली फ्लोर मिल्क कंपनी लिमिटेड इन विच डेली हाई कोर्ट हेल्ड दैट अनलेस देयर इज अ मटेरियल टू शो दैट द फॉल इन प्रॉफिट वाज ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट दैट देयर वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट अपेरेंटली विजिबल टू द नेकेड आई एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी मेड। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, सिंपल वर्ड्स में ठीक है केस लॉ अपनी जगह पे है, बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कंपनी को लॉस हो रहा है तो क्या सिर्फ लॉस होना एक क्राइटेरिया हो सकता है किसी कंपनी के खिलाफ SFIO का मुकदमा दर्ज करवाने में? अगर कंपनी को मेनली लॉस हो रहा है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, ईयर बाय ईयर कम हो रहे हैं, तो क्या ऐसा आप कह सकते हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं वो सच में कुछ फ्रॉड कर रहे हैं इसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्या यही वजह हो सकती है सिर्फ और सिर्फ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो कंपनी है उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत है, उसके प्रोडक्ट में दिक्कत है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस में दिक्कत है, उसकी क्वालिटी में दिक्कत है, तमाम रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अनलेस ये प्रूव हो सके कि प्रॉफिट जो गिर रहा है वो सिर्फ इस वजह से गिर रहा है क्योंकि डायरेक्टर मिसमैनेज कर रहे हैं, जब तक ये पूरी की पूरी बात जो है
वो प्रूव ना हो जाए तब तक आप यहाँ पे किसी भी तरीके से SFIO का रोल बीच में नहीं ला सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि SFIO ऐसा नहीं कि बस कुछ भी हमें गुस्सा आया कि यार छोड़ूंगा, नहीं होता है ना, बहुत बार एक एग्रेशन दिमाग में रहता है। स्पेशली आप देखिए जब आपस में किसी भी चीज को लेके कोई बातचीत होती है तो कई लोग बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि एग्रेसिव होने से कुछ हासिल नहीं होता। आराम से अगर बात करें तो शायद कोई सोल्यूशन निकल जाए, बिकॉज अगर बड़ी कंपनी से आपको लड़ना है तो या तो आप सारा काम छोड़ दीजिए और उनके पीछे लग जाइए कि अब मेरी लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस कंपनी को ऐसा करूंगा, केस फाइल करूंगा और जीतूंगा, तो अलग है। अब आपको नौकरी करनी है, अपना बिजनेस चलाना है या और कुछ करना है तो फिर मैं ये समझता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आपके लीगल राइट्स आप खो देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर समय चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं, वो निर्भया का केस याद है आपको, दिल्ली में हुआ था, मतलब 8-10 साल तो ऐसे ही निकल गए, जबकि ऐसा क्या था उसके अंदर जो कि प्रूव होना बाकी था। या वो मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुए थे, ऐसा क्या था उसके अंदर जो प्रूव होना बाकी है, तब भी उसमें इतना समय लग गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात, जबकि सब एविडेंस अवेलेबल थे, सब कुछ था। तो मेरे कहने का मतलब आपसे बार बार यही है कि जब भी आप कोई ऐसा डिसीजन ले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि भाई समय लगेगा और मैं समय देने के लिए तैयार हूँ। आधी अधूरी लड़ाई छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं है लीगल केस के हिसाब से, आपको प्रैक्टिकलिटी समझा रहा हूँ। आप में से जो लोग LLB कर रहे हैं सिर्फ डिग्री के लिए, वो तो शायद ये कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि कभी वो कोर्ट गए नहीं, उन्होंने शायद देखा ही नहीं, या गए हैं तो सिर्फ कुछ साइन कराने के लिए, रिपोर्ट के लिए या कुछ भी ऐसा। बट जो प्रैक्टिकली वकील हैं या जानते हैं इस बारे में, वो अच्छे तरीके से समझेंगे जो मैं कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। द CLB आल्सो हेल्ड इन होटल श्वेता प्राइवेट लिमिटेड अ पिटीशन अंडर सेक्शन 235 दैट द ऑर्डर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट एन एंड बाय इटसेल्फ बट ओनली अ मींस टू फाइंड आउट द फुल फैक्ट्स ऑफ द एक्ट कंप्लेंट। इट इज नथिंग बट एक्सप्लेनेटरी मेजर टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड विद रेफरेंस टू फैक्ट्स लेटर ऑन असर्टेन। देखिए, इन्वेस्टिगेशन से अगर किसी कंपनी के अफेयर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ऑर्डर कर देता है तो क्या इन्वेस्टिगेशन को हम मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो गई, बस केस खत्म हो गया क्या वहां पे, ये माने हम? तो यहाँ पे बताया जा रहा है SLB का कहना है, अब नहीं SLB बट CLB का ये कहना है इस केस को लेके कि इन्वेस्टिगेशन अगर ऑर्डर हुई है तो ये एक पार्ट एंड पार्सल है पूरे प्रोसेस का। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने निकल के आता है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। SFIO तो बहुत दूर की बात है, अभी क्या निकल के आता है उसके बेसिस पे देखना पड़ेगा आगे किस रास्ते की तरफ जाना है। क्या पता कुछ ऐसा निकल के ही ना आए और इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहीं से केस को खत्म मान लिया जाए, पर क्या पता कुछ ऐसी चीजें निकल के आते हैं जो कि पहले नहीं थी और उससे केस जो है वो और ज्यादा अगेंस्ट हो जाए उस पार्टी के जिसके ऊपर ये चल रहा है और उसके फेवर में हो जाए जिसने ये केस फाइल किया है। सो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट द काइंड ऑफ एन एंड इन इटसेल्फ, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस जिसके जरिए आगे का जो भी एक रोड मैप है वो तैयार किया जाएगा। इन गुजरात हाई कोर्ट जजमेंट अलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड द स्कोप एंड द जुरिसडिक्शन ऑफ सेक्शन। अब ये वही वाला है जो मैं आपसे कुछ देर पहले कह रहा था कि SFIO का यूज एक तरीके से सिर्फ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्या कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है इस चीज को, इसको अब यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने समझाने की कोशिश करी है। आइए अब हम देखते हैं। तो कहते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 237 इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, एंड एडमिट्स ऑफ नो कंस्ट्रक्शन बाय विच एनी लेटर और लिमिट कैन बी पुट ऑन द जुरिसडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट to entertain a petition for giving a direction to the central government to appoint an inspector to investigate the affairs of the company. तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि इस सेक्शन का यूज करके, सेक्शन 237A का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो SFIO की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है। इसमें मतलब ना कोई एक तरीके का कंफ्यूजन है, ना इसको लेके किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। Once the court makes an order, it is obligatory upon the central government to appoint an inspector. There are three distinct, मतलब separate method by which a party desirous of getting the affairs of the company investigated may get an inspector appointed by the central government. तो तीन तरीके हैं जिसकी मैं कहूँगा जिसको use करके SFIO को लेके आया जा सकता है। इसमें दो तरीके, तीन में से अभी हम पढ़ेंगे, दो तरीके जो हैं वो central government के पास हैं, जबकि एक तरीका जो है वो court के पास है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तरीके क्या हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लोग जो हैं वो आके एप्लीकेशन फाइल करें, उन्होंने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो वो आगे SFIO को अपॉइंट कर दें।
दूसरा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद ही लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो ऐसे एफआईआर को लेके आ सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट इज अ वर्ड जिसके ऊपर एक किताब पूरी आप लिख दीजिए तब भी आप पब्लिक इंटरेस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर कि एक आसमान, जो आसमान आप देखते हैं उसके अंदर कितने तारे हैं, ये बाल कितने हैं, आजकल तो वैसे बाल बचते नहीं है क्योंकि स्ट्रेस और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हम क्या उस चीज को गिन सकते हैं। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब पहले ऐसा मैंने तो नहीं देखा था बट आज तो इतना कॉमन हो गई है ये चीजें कि भाई बाल ही नहीं बचे बताओ सर पे, है कि नहीं। तो ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? आई थिंक एक तो एक्सरसाइज है, लोग करते नहीं है, लाइफस्टाइल बदल रहा है। चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, हम सब पे ये बात इक्वली एप्लीकेबल है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ जितना भी थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट, जो भी मतलब रहता है काम, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि दिन में कुछ समय तो मैं जाके जिम में दो ही दूँ, चाहे वो आधा घंटा भी क्यों ना हो। सुबह कोशिश करता हूँ जाने की, सुबह भी जाता हूँ, शाम को भी कोशिश करता हूँ। तो आप भी ऐसा कुछ करिए, मैं ये नहीं कहता आप जिम ही जाइए, जिम जो जाते हैं ऐसा नहीं कि वही बॉडी बना, हमें बॉडी मेरी मेरा ऑब्जेक्टिव कोई बॉडी बनाना नहीं है। तो जिम का जो इंस्ट्रक्टर है उसको बोले भाई मुझे बस फिट रहना है, अपने भर का ये हो जाए कि ऐसी कोई दिक्कत ना आए मुझे, कोई मतलब वैसा नहीं करना कि बाइसेप्स बनानी हो या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल बस रहना है, ठीक ठाक सा लगे बंदा, यही चाहिए मुझे। पर सबके अपने अपने वो हैं, तो अगर आप भी कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं होगी मेरे हिसाब से उसके अंदर। खैर यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं उसी पे वापस आ जाते हैं। तो कहते हैं कि तीन तरीके के मेथड हैं। आप पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा था, कहता है कि आसमान में कितने तारे हैं ये गिनना इम्पॉसिबल है, समुद्र में कितना पानी है गिनना इम्पॉसिबल है, ऐसे ही पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, रीजनेबल कॉज बीइंग शोन क्या है, ये एक इम्पॉसिबल चीज है जिसका कोई आप एक आंसर नहीं दे सकते, इट विल वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। तो उसी के बारे में बात करते हुए कहा गया कि तीन मेथड्स हैं जिसमें दो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हैं जो मैंने अभी समझाया, और एक कोर्ट का भी है। जब कोर्ट को लगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट शायद इस चीज को नहीं करवाना चाहती है या ध्यान नहीं दे रही है, वॉट एवर एज ए केस में भी, तो कोर्ट भी अपनी पावर्स को यूज कर सकता है, ये लिखा है। तो कहते हैं द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स आर अवेलेबल, एप्लीकेशन कैन बी मेड अंडर सेक्शन 235, एनीवन हु इज अनेबल टू कलेक्ट द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स में ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक से काम नहीं चलेगा, वेरियस मैल प्रैक्टिसेस, काफी गलतियां कमिटेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नहीं है, गलतियां गिनाने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बात माने ऐसा कोई जबरदस्ती रूल नहीं है। May act suo motu under section 237 in the above mentioned two cases. Two cases कौन से? जहाँ पे भाई आप 100 लोगों को ले गए, 110 लोगों को ले गए, तो एक requested majority आपके पास हो गई और proof कर दिया, मतलब एक 10 लोगों को समझ लो total अगर 100 लोग हैं तो उसका 110 10 हो गया, तो 100 लोगों को ले गए, 110 लोगों को ले गए, मतलब आपके पास majority है इतनी, तो आप लेके अगर गए तो central government जो है उसको application आपने दी, तो central government SFIO का रोल जो है वो इसके अंदर लेके आ सकती है, SFIO की investigation order कर सकती है। अगर आपको लग रहा है कि यार गलत हो रहा है बट मेरा तो कोई साथ ही नहीं दे रहा, मैं कैसे 10-100 बंदों को इकट्ठा करूं या कैसे अपने साथ लोगों को लेके आऊं, मेरा तो कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, सब लोग डर रहे हैं कि नहीं हम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, कोर्ट कचहरी का मामला है जो और कुछ भी है, तो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर रिक्वेस्टेड मेजोरिटी नहीं मिल रही है, अभी हम नीचे पढ़ेंगे भी, केस लॉ दिया भी हुआ है कि अगर रिक्वेस्टेड मेजोरिटी किसी के पास नहीं है तो ऐसी गलत फहमी में ना रहें कि रिक्वेस्टेड मेजोरिटी नहीं है तो कंपनी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। रिक्वेस्टेड मेजोरिटी ना भी हो बट फिर भी एक कोई बंदे कुछ बंदे ये बात प्रूव कर दें कि कुछ गलत हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को इन्वेस्टिगेट करा सकती है। ये दो प्रस्पेक्टिव है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट SFIO का यूज कर सकती है, या मैं ऐसे कहूँ SFIO को इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वॉल्व करवा सकती है। जो तीसरा और आखिरी तरीका है वो कोर्ट के थ्रू है। तो इन द अबव मेंशन केसेस द क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर इज विद इन द डिस्क्रीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट देर इज अ थर्ड मोड लेजिस्लेटिवली रिकॉग्नाइज, लेजिस्लेटिवली कहने का मतलब यहाँ पे यह है, ये कोई ना सोचे कि कोर्ट का बनाया हुआ है, लिखा हुआ है एक्ट के अंदर, जो सेक्शन 237 है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, recognized and mandatory in character by which an inspector can got appointed by the central government, and that is where the special resolution to the effect is adopted by the company or where the court makes an order to that effect. तो जहाँ पे ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शायद वो नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए फॉर व्हाटएवर रीजंस, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट जो है फिर उसको अगर ठीक लगता है, मतलब जेन्युइन तो लगना ही चाहिए है ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहे कोर्ट को, तो कोर्ट फिर ऑर्डर कर सकता है, और फिर जो कोर्ट का ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रधानमंत्री भी मना नहीं कर सकता, कोर्ट इज कोर्ट,
भले उसके पीछे आगे पीछे आप कुछ भी कहिए, बट कोर्ट इज कोर्ट। उसका मतलब जज की ताकत, इससे आप आइडिया लगाइए कि उसने एक कुछ लिख दिया ना, कलम चला दी किसी के नाम के भी सामने कि ऐसा होगा, तो वो भगवान की कलम है। तभी कहते हैं योर लॉर्डशिप, वो भगवान से कम नहीं है। किसको जेल में डालते हैं और कितने समय तक जेल में रखे हैं आप आइडिया नहीं लगा सकते। तो जज की जो पावर है, जैसे पुलिस वाले, आपकी फैमिली में कोई होगा या जनरली भी अगर मैं बात करूं, तो देखो एक आम इंसान पुलिस वकील और डॉक्टर से बहुत डरता है। कहते हैं कि इन तीनों से अगर पाला ना पड़े तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कब कहाँ फंसा दे। डॉक्टर अच्छे वाले इंसान को कह देता है पर्चे में जाओ कि भाई चेकअप कराना है, चाहे कितना फिट आप क्यों ना हो, कुछ ना कुछ लिख ही देगा, कहेगा ये है। तो बंदा फिर लगता है यार मुझे ये पता नहीं कैसे हो गया जबकि मैं तो इतना। तो और यही पुलिस का है, कौन से केस में क्या बन जाए, और वकील का तो आप पूछे ही मत, है ना, वकील की हालत तो आप जानते ही हैं। तो इनसे बच के रहने की बात करी जाती है। और जो जज है उसके साथ तो ये है कि उसने जो लिख दिया वो फाइनल है, पत्थर की लकीर है वो, फिर करते रहिए जो आपको करना है। जज का कहाँ पे क्या हो सकता है इतनी जल्दी, बहुत मुश्किल है। मेरा एक कलीग थे ऑफिस में, उनका कोई ये बिल्डर विल्डर का मामला चलता है ना, पैसे दिए घर नहीं दिया बिल्डर ने, चलता है ये सब, बड़ा कॉमन हो गया अभी। तो कहते भले मैं बोलता हूँ इंसॉल्वेंसी आ गया और तमाम चीजें आ गई और ये कह दिया हम रेरा के अंदर बिल्डर का ये कर देंगे वो कर देंगे, आप जाके देखिए कोर्ट में और आप देखिए, अगर 100 में से आपको 2 या 3 केस मिल जाए जहाँ एक्शन हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। 95-97% रेरा बन जाए चाहे कुछ और बन जाए, जब तक इंटेंशन नहीं है तब तक काम नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। तो उनकी बात वो बताते थे, कहते थे कि एक बंदे ने कहा, मैं लाइव बता रहा हूँ आपको जिससे कि आप भी समझ पाए इस चीज को, कि जैसे हम थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं कि ऐसे नहीं वैसे, जज के सामने कहा कि नहीं सर ऐसे नहीं वैसा है, मुझे डेट थोड़ी जल्दी की दे। जज ने अभी जैसे इस केस सुना और अगली डेट दे दी 3 महीने बाद की। तो उस बंदे ने कहा जो उन्होंने बताया, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि सर थोड़ा सा प्लीज देख लीजिए, मुझे कहीं जाना है, मेडिकल इमरजेंसी ये वो, तो थोड़ी जल्दी प्लीज आप डेट दे दीजिए, 3 महीने सर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है ये लो 6 महीने की डेट है, जाओ अब बोलो आप क्या करोगे। अगर उन्होंने बोला आप कुछ और बोला तो और 6 महीने बढ़ा दूंगा, तो बंदा फिर क्या चला गया। अब इस उसकी कंप्लेन आप कहाँ करेंगे, आप सोचते हैं कि कोर्ट न्याय देगा, देता है, पर हर जगह लोग ही चला रहे हैं ना, और हर इंसान आप जैसा मेरे जैसा शरीफ और ईमानदार तो नहीं होता ना, तो ध्यान रखें इन चीजों का। अब जैसे ये है, आई विल नॉट फाइल फ्रिवोलस लॉसूट, मतलब झूठे, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है कि किसी बंदे ने झूठे केस, जैसे आपको याद होगा जब आप स्कूल वगैरह में थे तो कुछ भी गलत करते थे, होमवर्क नहीं करके आते थे तो मैडम या सर लिखवाते थे बोर्ड पे कि 100 बार लिखो, 50 बार अपनी कॉपी पे लिखो या जो भी कुछ ऐसा। तो ऐसे ही इस बंदे को लिखवाया जा रहा है क्योंकि इसने झूठे केस फाइल किए हैं। झूठे केस बिल्कुल मत फाइल करिए, कब फंस जाएगा कौन आइडिया भी नहीं लगेगा हमें, तो ये बात कही गई है। अब यहाँ पे एक जो केस लॉ दे रखे, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट सेज जेपी श्रीवास्तव एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ग्वालियर शुगर कंपनी टू कंटेंड दैट द लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड रिस्ट्रिक्टिंग द फाइलिंग ऑफ द पिटीशन अंडर सेक्शन 235 इज टू प्रिवेंट फ्यूरियस लिटिगेशन। जो आप बात ऊपर समझ रहे थे ना कि भाई इतने लोगों का सपोर्ट चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर्स पे या कोर्ट के ऑर्डर्स पे एसएफआई इन्वॉल्व होगा, कहते हैं कि इसका भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि कहीं ना कहीं लोग इसको मिसयूज ना करें, क्योंकि फिर छोटी सी बात होगी अगर ऐसा इतना इजीली ऐसे फाइल को इन्वॉल्व करने लग गए तो छोटी सी बात होगी, लोग केस फाइल करेंगे और मांगेंगे, ये डिमांड करेंगे कि ऐसे फाइल को ये केस सौंपा जाए, तो वो हर बार हो नहीं सकता, क्योंकि उस स्टैंडर्ड का अगर केस होगा, उस कॉम्प्लेक्सिटी का केस होगा तो ये ऐसे फाइल उसको डील करेगा। नाउ हैविंग सेड दैट, अब ये भी समझिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैंने ये नहीं कहा है कि छोटे मोटे फ्रॉड जो है वो जाने दिए जाएंगे, उनको देखा ही नहीं जाएगा, उनके लिए डिफरेंट मशीनरी है, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जिससे उनको डील आउट किया जाएगा, बट एसएफआईओ की अगर हम बात करें तो उसको एज सच इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं करा जाएगा। They argue that the requested shareholding for filing petition shall not be permitted to be used as protective shield by wrongdoers who mismanage and play frauds on the companies. According to the appellant, what is required is that there must be enough material records so as to raise doubt regarding instance of the foul play in the management of the affairs of the company, and that also observed by CLB that is that this is present within these set of facts. So they gave. कुछ देर पहले भी मैंने आपसे यही बात कही कि जो रिक्वेस्टिव बात आप करते हैं कि इतने लोगों का सपोर्ट चाहिए, जैसे कि आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में भी ये बात करते हैं, तो वो एक इंडिकेटिव है। अगर आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, टाटा का सारस मिस्त्री का केस याद होगा, अब मैं उतना डिटेल नहीं जा रहा उसको क्योंकि शायद तीसरी बार उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ, बट वहां पे भी यही बात थी। एनसीएलटी के सामने भी टाटा ने खुद ही कहा था कि एनसीएलटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, भले सारस मिस्त्री
10% से कम हिस्सेदारी ओन करते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस मिला के कुछ 10% से कम हिस्सेदारी, मतलब दो कुछ 2 या 2.5% ओन करते हैं, बट फिर भी एनसीएलटी के पास पावर है कि वो ये ना कंसिडर करके परसेंटेज के टर्म्स अगर एनसीएलटी को लगता है तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑपरेशन का जो केस है उसको ओपन अप कर सकती है। तो ये बात यहाँ पे भी है कि जो एक मेजोरिटी है उसको आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ना मालूम, वो तो एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया कि वही वाली बात कि कहीं तो कुछ तो रखना ही है ना, पर अगर सामने सामने दिख रहा है कि गलत हो रहा है और भले लोग सामने नहीं आ रहे हैं उस चीज के लिए फॉर व्हाटएवर रीजन, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट उनका इंतजार करेगा और वो सामने आएंगे तो ही कार्रवाई होगी, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। तो कार्रवाई अगर होनी है तो वो हो के रहेगी, डज नॉट रियली मैटर कि रिक्वेस्ट मेजोरिटी 10% 100 व्हाटएवर वो है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सबूत होने चाहिए। अगर उतने लोग आ जाते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि कोर्ट के लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट भी हर चीज देखिए स्यू मोटो नहीं कर सकता, अगर स्यू मोटो ही उसको करना होता तो फिर लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी, हर चीज स्यू मोटो ही करता रहता है वो। तो कहीं ना कहीं वो भी ये चाहता है कि लोग खुद भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएं और वहां पे आए, और डेफिनेटली फिर एक बार आप चले गए कोर्ट और अपनी बात रख दी तो आगे का काम कोर्ट संभालेगा, जो उसका खुद का काम है वो खुद देखेगा। ठीक है, बात करते हैं सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003, इसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे क्योंकि इसी के नीचे फेमा है, सो फेमा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो भी मैं आपको यहाँ पे चीज बता रहा हूँ आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके जो पुराना मॉड्यूल है मतलब जून 2021 का जो मॉड्यूल है उसी में ये सब चीजें, उसके प्रायर मॉड्यूल में थोड़ी थोड़ी बात दे रखी है बट इतने डिटेल केस लॉज नहीं है, और आप जानते हैं कि अपनी तरफ से पूरी मेरी कोशिश है कि मैं सब कुछ कवर कराऊं, तो उसी के बारे में आइए एक और केस लॉ डिस्कस करते हैं। तो सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज मार्केट इन केस ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस श्री कन्हैया लाल बल देवी भाई पटेल, ये एप्लीकेशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर करी गई है, फाइल गई है। अब यहाँ पे हुआ क्या है वो देखते हैं, बट बाय द लुक्स ऑफ इट जो टॉपिक है आप देख ही रहे हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहा है, जहां पे कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है उसको लीक आउट करा जा रहा है और उसके बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करी जा रही है और कुछ मुनाफा कमाया जा रहा है, वो डेफिनेटली गलत है। कहीं ना कहीं उस चीज को हम इनसाइडर ट्रेडिंग से भी जोड़ सकते हैं या सो कॉल्ड एज अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इससे भी इस चीज को जोड़ा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि फैक्ट ऑफ द केस में क्या कहा गया है। तो कहते हैं सेबी इन्वेस्टिगेटेड इनटू द अफेयर्स ऑफ श्री कन्हैया लाल बलदेवी भाई पटेल, यहाँ पे कन्हैया लाल बलदेवी को KB कहा गया है फॉर ब्रीविटी, मतलब शॉर्ट में करने के लिए, जो एक ट्रेडर हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडर हैं। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट कन्हैया लाल जो है KB वाज पुटिंग ऑर्डर्स अहेड ऑफ द ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय पासपोर्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट मॉरिशियस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये देखा गया कि एक कंपनी, अभी तक दो ही लोग सामने आए हैं, कंपनी और एक KB। अब ये देखा जा रहा है कि जो KB है वो एक इंडिविजुअल ट्रेडर है, और KB जो है कुछ भी अगर खरीदना होता है, कोई स्टॉक वगैरह खरीदना होता है, तो जो ये कंपनी है पासपोर्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट, ये जैसे KB ने अभी ऑर्डर प्लेस किया कि 100 शेयर्स ये चाहिए, उसी के कुछ सेकंड्स के अंदर ये पासपोर्ट इंडिया जो कंपनी है वो भी अपना ऑर्डर प्लेस करती है वही शेयर्स के लिए, काइंड ऑफ सेम क्वान्टिटी के लिए भी। आगे वन दीपक पटेल, तो एक हो गए KB, एक हो गई कंपनी, और एक अब आते हैं दीपक पटेल। Was a portfolio manager of PII, who also happens to be the cousin of KB. And one Shri Anand Kumar Patel, AB, who happens to be the cousin of KB, and one Shri Anand Kumar Baldevi Bhai Patel. तो अब कुछ मामला कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो एक इंडिविजुअल ट्रेडर है जिनका नाम कन्हैया लाल है, और कन्हैया लाल का एक रूटीन ये देखा गया है कि वो जो स्टॉक खरीदते हैं तुरंत उसके बाद ही स्टॉक पासपोर्ट इंडिया इन्वेस्टमेंट मॉरिशस कंपनी जो है वो भी खरीदती है, और जो दीपक पटेल हैं वो जो कंपनी है पासपोर्ट इंडिया वाली, दीपक जो है वो इस कंपनी के पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, और दीपक और कन्हैया लाल के बीच में कुछ फैमिली रिलेशंस हैं, और सिर्फ दीपक और कन्हैया लाल के बीच में नहीं, यहाँ पे लिखा है वो ऑल्सो भी हैपेंस टू बी द कजन ऑफ KB एंड श्री आनंद कुमार। तो जो दीपक है वो बेसिकली फैमिली रिलेशन में है KB के साथ भी, कन्हैया के साथ भी, और आनंद कुमार के साथ भी। तो आनंद कुमार एंड कन्हैया दो लोग हैं जो शेयर्स में ट्रेड करते हैं, ऐसे मान के चलिए। एक कंपनी है जिसका नाम यहाँ पे बताया गया पासपोर्ट इंडिया, उस कंपनी का जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका नाम है दीपक पटेल। तो जो दीपक पटेल है वो इन दोनों विच इज कॉल्ड एज बलदेवी भाई, जो कन्हैया लाल बलदेवी हैं, और जो दूसरा एक बंदा है जिसका नाम यहाँ पे दे रखा है आनंद कुमार, इन दोनों से रिलेटेड है। तो कंपनी के साथ दीपक,
दीपक का रिलेशन इन दो बंदों के साथ जिनका नाम कन्हैया एंड आनंद कुमार है. इट वॉज रिलीज दैट दीपक पटेल प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन टू केबी एंड एबी, समझ गया ना, कन्हैया और आनंद, रिगार्डिंग फोर्थकमिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ पीआईआई. It is to be noted that the trades were executed using the phone number registered in the name of AB. AB मतलब कौन हो गया? वही आनंद कुमार. At the common residential address of KB and AB, taking advantage of the information received from Deepak, KB had indulged in the trading before PII. तो जैसे कि ऊपर हमने बात करी कि PII जो खरीदने वाला होता है, मतलब अगर simple words में बताऊँ तो जो PII कंपनी है, जो भी वो खरीदने वाली होती है स्टॉक, जो उसका पोर्टफोलियो मैनेजर है कंपनी का, पीआईआई कंपनी का मिस्टर दीपक, वो तुरंत पहले, इससे पहले कंपनी खरीदे तो जो दीपक है पोर्टफोलियो मैनेजर है कंपनी के, वो तुरंत अपने रिलेटिव को फोन करते हैं जिनका नाम यहाँ पे कन्हैया, और कन्हैया पहले शेयर खरीद लेते हैं वो वाले जो पीआईआई खरीदने की सोच रहा है, और उसके बाद पीआईआई उस शेयर को खरीदता है. ये बात मोटा मोटा यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि जो केबी हैं कन्हैया लाल है, जैसे कि नाम है वैसे उनका काम तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, जो कन्हैया लाल है उन्होंने अभी तक कुछ 1,56,00,000 रुपए का प्रॉफिट यही खरीद बेच में कमा लिया है, जो कि गलत नहीं है. मतलब स्टॉक मार्केट में लोगों ने बहुत कमाया है और लोगों ने बहुत गवाया है, तो वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही यही ऐसी जगह कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक अंधा कुआं है ना, तो वैसी वाली बात है. तो यहाँ पे हुआ है ये, अब जो फर्स्ट पैराग्राफ का कंक्लूजन है, कंपनी है उसका एक पोर्टफोलियो मैनेजर है दीपक है, दीपक के रिश्तेदार हैं कन्हैया जी और आनंद कुमार. अब यहाँ पे ये है कि जो भी कंपनी खरीदने लगती है, इससे पहले कंपनी खरीदे जो दीपक कंपनी के पोर्टफोलियो मैनेजर हैं वो बता देते हैं किसको, कन्हैया लाल को, और कन्हैया लाल वो शेयर्स खरीद लेते हैं, और ऐसे कर करके उन्होंने कन्हैया लाल जो है उन्होंने कुछ 1,00,00,000 रुपए का प्रॉफिट अभी तक जमा इकट्ठा कर लिया है, और इस चीज के सबूत मिले हैं आपस में फोन वोन में बात भी हुई. अब सेबी कहता था ऑब्जेक्ट एंड द पर्पस ऑफ एफयूटीपी, एफयूटीपी मतलब फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. क्या फ्रॉडलेंट, देखो लिखा है ना, फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ये बात कही गई है. इज टू कर्ब मार्केट मैनिपुलेशन, मार्केट मैनिपुलेशन इज नॉर्मली रिगार्डेड एज एन अनवॉरंटेड इंटरफेरेंस इन द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डिनरी मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड दस अंडरमाइन द इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट. तो जो यहाँ पे बात करी गई है एफयूटीपी की, जो एक तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, अनफेयर इसीलिए उसका नाम दिया जा रहा है क्योंकि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं ऐसे कहूँगा डिस्क्लोज कर दिया जाता है जो कॉन्फिडेंशियल. कंपनी का कोई भी इंसान कंपनी की इंफॉर्मेशन बाहर किसी को क्यों बताएगा, और वो भी अपने रिलेटिव को, रिलेटिव से फायदा कमा ले. मतलब ये तो क्लियरली दिख रहा है कि आप वायलेट कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो वैसे आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, यू आर बाउंड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द कंपनी. और मुझे नहीं लगता किसी भी कंपनी का कोई भी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट होगा जो ये कहे कि आप हमारी बातें जो है वो बाहर जाके किसी को भी बताइए. आप बताते हैं नहीं पता चलता वो एक अलग बात है, बट अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आप शेयर अपने रिलेटिव के साथ कर रहे हैं और रिलेटिव उससे मुनाफा कमा रहा है और उसका कहीं ना कहीं नुकसान कंपनी को हो रहा है, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो यहाँ पे होता पाया गया. तो कहते हैं The information of possible trade that the company is going to undertake is confidential. Confidential information of the company concerned, which it has absolute liberty to deal with. Therefore, a person conveying confidential information to another person. So, Deepak, jo company ka portfolio manager hai, wo information apne bhai bhaiyan XYZ jo bata raha hai sabko, breach his duty to prescribed by the law. Another recipient of such information knows of the breach and trades. There is an inducement to bring about unequitable result. Then the recipient may have to be committed the fraud. तो दोनों ही तरफ से गलती है, जो बता रहा है उसकी गलती तो ज्यादा है क्योंकि वो बता क्यों रहा है ऐसी बात है जो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल नेचर की बातें हैं, और जो बता रहा है और सामने वाला उस बात को सुन रहा है, उस बेसिस पे ट्रेड कर रहा है, मुनाफा कमा रहा है, तो ये फिर उसकी भी गलती है. फिर ये दोनों ही ज्वाइंटली एंड सेपरेटली लायबल हो जाएंगे कंपनी के साथ फ्रॉड करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग द प्राइवेट एंड द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. चलिए यहाँ पे अब मैं इसको रोकता हूँ, जिसका मतलब ये है कि हमारा पार्ट 8 भी अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया. जब मैं आपसे पार्ट 9 में मिलूंगा जो कि बहुत ही जल्दी होगा, फेमा के बेसिस पे यहाँ पे केस लॉज वगैरह दे रखे हैं, नोट्स मेरे बन चुके हैं, तो आगे अपनी बातचीत को स्टार्ट करना. फिर कॉम्पिटिशन भी है, अदानी का भी केस है यहाँ पे, अदानी न्यूज में काफी रहते हैं फॉर वेरियस रीजंस, तो बातचीत करेंगे और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे. उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आई होगी. अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है सो यू मोर देन वेलकम टू आस्क. Till then, take care of yourself. Do whatever you want to for CS Executive, CS Professional. Widest module coverage, guarantee of covering all amendment, including the fast track batch and revision series, Shantanu and Tanya Mandari classes. Thank you so much.